आगे यूपी में राम राज्य, आगे यूपी में गौरी शंकर मंदिर, आगे यूपी में मथुरा ब्रज का विकास, तो ओवैसी जी ही देशद्रोही हैं। सही तौर पर असुद्दीन ओवैसी, हैदराबादी बिरयानी खाने वाले असुद्दीन ओवैसी जी देश विरोधी और पाकिस्तानी समर्थक है। अगर उनके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे तो इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में आके इनको बोलना पड़ता है, ये खुद भी नहीं बोलना चाहते। उनके उन्हें उस्मान जी जैसा बनना चाहिए, उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसा बनना चाहिए, उन्हें कसाब जैसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी बदनाम हो जाएगी, साथ में हिंदू भी बदनाम हो जाए। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार ने अपनी नीचता का प्रदर्शन किया है। अब ये नया राम राज्य शुरू हो गया यूपी में, अब यहाँ पे बाबा का नया सूर्योदय हुआ है। अतीक अहमद जिहादी, कट्टरवादी, आतंकवादी, गुंडा, माफिया, भूमाफिया सब था। या तो जेल, या तो कानून से खिलवाड़ करेगा तो सीधा मिट्टी में मेल। आगे यूपी में और क्या क्या देखने को मिल सकता है? आगे यूपी में विकास, हाँ। आगे यूपी में माफियाओं का सर्वनाश, आगे यूपी में बुलडोजर, आगे यूपी में पुलिस, आगे यूपी में सुशासन व्यवस्था, आगे यूपी में राम राज्य, आगे यूपी में गौरी शंकर मंदिर, आगे यूपी में मथुरा ब्रज का विकास, आगे यूपी में 25 करोड़ जनता का विकास, आगे यूपी में हिंदू और मुसलमान का विकास, ये देखने को मिल सकता है। विशेष धर्म की बात नहीं होती, हमेशा विशेष धर्म की बात नहीं आती। विशेष धर्म में आप हमेशा उन लोगों को नहीं ला सकते। मुझे तो लगता है ओवैसी जी ही देशद्रोही हैं। सही तौर पर असुद्दीन ओवैसी, हैदराबादी बिरयानी खाने वाले असुद्दीन ओवैसी जी देश विरोधी और पाकिस्तानी समर्थक है, क्योंकि जिस तरीके से वो आतंकवादियों, दंगाइयों और इनके बचाव में उतर आते हैं ना, वे अपने आप में ओवैसी जी की परिभाषा और ओवैसी जी की व्याख्यानता करता है। ओवैसी जी को इनके बचाव में नहीं आना चाहिए, उन्हें वीर अब्दुल हमीद जी जैसा बनना चाहिए, उन्हें उस्मान जी जैसा बनना चाहिए, उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसा बनना चाहिए, उन्हें कसाब जैसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वही ममता बनर्जी कह रही हैं कि तानाशाही कर रहे हैं योगी जी। ममता बनर्जी अपना बंगाल संभाले, वाराणसी में अभी बेइज्जती कराई है। 2022 के चुनावों में वाराणसी आई थी, क्या हालत हुई पूरी वाराणसी से, भगा भगाई, जैसे लोग मारते हैं ना भगाते हैं, वैसे ही ममता जी फ्लाइट लेकर दुबक के चली गई, 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिल गई। तो ममता जी उस पर कंट्रोल करें और बस यही है। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा देश, हर देश का हिंदुस्तानी, हर देश का हिंदू, हर देश का मुसलमान, हर देश का ईसाई, हर देश का सिख आपके साथ है और अंतिम दिन तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि सच का साथ देना ही हमारी नैतिकता होती है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका डर है वहाँ की सरकार को, इसी वजह से उन्हें जेल में बंद करवा दिया गया या उन पे और ये मुकदमे किए जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, सच की वजह से लोग डरते हैं। नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार ने अपनी नीचता का प्रदर्शन किया है। अच्छा। और इस नीचता में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। आप सताराम देख चुके हैं, आप सीवान का हाल देख चुके हैं, आप और जगह का हाल देख चुके हैं। जिन आतताइयों के संरक्षण में शहाबुद्दीन जैसे लोग पैदा हों, वो कभी कानून व्यवस्था ढंग की कर नहीं सकते, उल्टा जो इनका विरोध करें उन्हें जेल में डाल और देते हैं। बस ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मैं मानता हूँ बिल्कुल जो भी हुआ वो एकदम गलत हुआ, उस तरीके से नहीं मरना चाहिए था। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ, वो जो 3 लोग मारने वाले थे ना, वो सपाई के गुंडे थे या बसपा के गुंडे थे या कांग्रेस वाले थे, उनके पास चारा क्या है कहने के अलावा? आप एक बात बता, जो गोदी में लेके इतने बड़े कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद, वो गोदी में बैठा के आज़ादी आज़ादी के नारे लगवाते हैं, जब याकूब मेमन जैसे लोग और बुरहान वानी जैसे लोग मरते हैं तो सोनिया गांधी रोती है, आंसू बहाती है। तो कहीं ना कहीं इनका आतंकियों से कनेक्शन है ना, और पता चला है कि इसका अतीत अहमद का ISI के साथ कनेक्शन था। और एक बात मुझे बता दो, अभी मैंने, आप जैसे पत्रकारी कुछ न्यूज़ चला रहे थे तो उस पर मैंने देखा ये जो 3 लोग वाले थे वो तीनों गरीब थे, तो उनके पास 8-8 लाख की तुर्की मेडल कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं फंड आया होगा ना, तो बाबा तो पैसा दे नहीं रहे क्योंकि बाबा के पास खुद के पास नहीं है। 2 जोड़ी कपड़े हैं वही भगवा, एक पहनते एक सुखाते हैं, उन्हीं से उनका घर चल रहा है, उनको तो पैसों की जरूरत है नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं की साजिश थी। अब इनको पता था अखिलेश जैसे लोगों को, मैंने तो इनकी फोटो भी देखी है, बाप बेटे दोनों अखिलेश और मुलायम अतीक के कुत्ते के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो इनको पता था मेरा जो भी राज है, जो भी काले कारनामे सब खुल जाएंगे। अतीक के पास शाहीन बाग से 15-15 लाख रुपए किराए आते थे महीने के, तो यही सब पैसे तो मुलायम और अखिलेश यूज करते थे अपने चुनाव प्रचार के द्वारा, तो यही सब पोल खुलना बाकी था। ये तो अतीक ने, यूपी है, यूपी में हमारे बाबा योगी है, यूपी भगवानों की भूमि है, इसीलिए उसका 1% दिमाग चल गया था जो उसने एक पत्र लिख के छोड़ दिया था, जो अभी CGI के पास गया, थोड़े दिन में वो इनके योगी जी के पास आ जाएगा, उसमें सबका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया उस दिन। यूपी में होली और दिवाली के समान थी वो दिन,
बहुत अच्छा खबर सुना, लेकिन और तुम टेंशन मत लो, तुम जय श्री राम के नारे लगा के सोच लिए कि नहीं मैं जय श्री राम के नारे लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं योगी जी पर ही आ जाएगी, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा कौन? योगी जी। तो योगी जी किसके प्रचारक हैं? बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बदनाम हो जाएगी, साथ में हिंदू भी बदनाम हो जाएंगे। इन्होंने कुछ सोचा होगा कि इसी तरीके का षड्यंत्र रचेंगे हम तो हिंदू भी बदनाम होंगे। टेंशन मत लो, तुम्हारे घर पर भी पीला बुलडोजर पहुँच जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन ओबीसी कहते हैं कि एक तरफा बुलडोजर चल रहा है, योगी जी एक तरफा बुलडोजर चला रहे हैं, कार्रवाई भी एक तरफा हो रही है। विकास दुबे कौन था? ओवैसी का बाप था कि ओवैसी का दादा था कि ओवैसी का ताऊ था? वो हिंदू ही था ना। सबसे पहले एग्जांपल किसको सेट किया? विकास दुबे को ही। दोनों गाड़ी पलटाने वाली बात ले लो या फिर बुलडोजर चलने वाली बात ले लो, विकास दुबे ही था ना पहला, तो वो तो हिंदू ही था। अब आप चलो ओवैसी ने ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा रोने लगी, राहुल गांधी रोने लगे, अखिलेश यादव रोने लगे। जब राजू पाल को मारा था तब कौन सा सेक्युलरिज्म का सुरमा आया था रोने? तब तो चूरन नहीं खाया था इन्होंने। जब हम ये बोलते हैं कि पुलिस का संरक्षण दिया, पुलिस इतने सारे पुलिस थे, योगी सरकार नाकारा हो गई। जब हमारे साधुओं को था पालघर में, वहाँ पे 40 बख्तरबंद पुलिस वाले थे, तब कहाँ चले गए थे? तब किसी एक का बता दो ट्वीट आया हो कि नहीं उनके साथ बहुत गलत हुआ, साधुओं के साथ नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसी का ट्वीट नहीं आया। चलो ये तीनों निर्दोष थे। विकास हिंदू था, कितने लोगों ने ट्वीट कर दिया मुझे बताओ कि एक हिंदू हो गई, एक हिंदू के ऊपर गलत आरोप हो रहा है, एक हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं, इनको पता है जो मेरा 4-5% वोट है वही ये कट्टरपंथी वोट है, तो इन्हीं को खुश करने के लिए मुझे मजबूरन भी ना चाहूँ बोलना फिर भी इनके पक्ष में बोलना पड़ता है ताकि 3-4% वोट मिल जाए। अगर उनके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे तो इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में आके इनको बोलना पड़ता है। ये खुद भी नहीं बोलना चाहते उनके पक्ष में, लेकिन क्या करें, रास्ता ही नहीं है। और आप एक बात बताओ, चलो ये सब तो गुंडा वो सब छोड़ दो, बुलडोजर का ही नाम लेके इन्होंने चुनाव लड़ा था योगी जी ने। ये सब जितने विपक्षी थे सब बोल रहे थे कि वो खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बाबा की बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, इसी का गाना गाया इन्होंने चुनाव में। बाबा जी और ज़्यादा वोट से जीते, तो कहीं ना कहीं जनता खुश है ना। संरक्षण हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, वो दोनों चीज़ मिल रहा है। अब कहीं सिलेंडर मिलता है तो वो घर पे पूछ के नहीं मिलता, शौचालय जिसमें ये हकते हैं बैठ के वो घर पे पूछ के तो नहीं बनता ना कि तुम मुस्लिम हो तुम्हारे घर पे नहीं बनेगा, सबके घर पे मिल रहा है। अब आप वो सब छोड़ दो, विकास इसके पहले कैसा होता था, जो ये निवेशक होते थे वो डरते थे, वो बोलते थे मुझे यूपी नहीं जाना, लेकिन अब कैसा है, माफिया बोल रहे हैं कि मुझे यूपी नहीं जाना। गुड्डू मुस्लिम देखो कहाँ भागा हुआ है, शाइस्ता परवीन कहाँ भागी हुई है। यही लोग थोड़े दिन पहले अतीक अहमद तो जेल में से चुनाव लड़ता था, इतनी उसकी दबदबा था, जितने भी जज आते थे वो बोलते थे मुझे अतीक जी पर फैसला नहीं सुनाना, जज भी साइड होके चले जाते थे, जो सुना देता था वो दुनिया से उड़ जाता था। तो अब तुम्हारा काला खाल खत्म हो चुका है अतीक जी, अब ये नया राम राज्य शुरू हो गया यूपी में, अब यहाँ पे बाबा का नया सूर्योदय हुआ है।